तो ये हमारा न्यूज रूम है और ये हमारे साथी है उपेंद्र। उपेंद्र बाबू किस खबर पे हैं अभी? अरे अभी खबर है रोहिणी आचार्य को लेके हम लोग करने जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य क्या कमाल कर सकती हैं। बहुत चर्चा हो रही है। सारण से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी वहां पे सामने हैं। रोहिणी आचार्य ने अभी पीछे अपने पिता को किडनी दी थी, आरोप प्रत्यारोप भी चले। क्या स्थिति है रोहिणी आचार्य की, थोड़ा समझाइए। देखिए अभी मौजूदा स्थिति जो अभी देखने में हाल फिलहाल की स्थिति है तो टक्कर तो है राजीव प्रताप रूढ़ी, चूंकि रोहिणी आचार्य जिस सीट पे गई हैं उनकी परंपरागत सीट रही है, लालू की कर्मभूमि रही है। लेकिन दो टर्म से तो बीजेपी के पास है ना? हाँ, दो टर्म से निश्चित रूप से बीजेपी के पास है, लेकिन जो सीट है अपने आप में वो जुड़ी हुई है लालू की। पहली बार वहां से वो लोकसभा सांसद बने थे, जनता दल से वो पहली बार सांसद बने, लोकदल से जनता पार्टी से, वो जनता पार्टी थी। अच्छा। हाँ, जनता पार्टी 1977 में पहली बार वहाँ से चुनाव सारण से जीत के आए थे और उसके बाद से वो 89 में अपना मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री होने के बाद जब ये सीट खाली हुई थी, 1966 में पहली बार राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते। फिर 97 में चुनाव हुआ, एक साल बाद फिर वो हो गया, 97 में से 99 तक रहे, 99 में से 2004 तक राजीव प्रताप रूढ़ी रहे, तीन बार लोकसभा का शुरुआत में वहाँ से। उसके बाद 2004 में फिर एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की, वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी हारते हैं, 2009 में भी हारते हैं, लेकिन इस बीच बहुत बड़ा गैप हो गया था तो राजीव प्रताप रूढ़ी को 2008 में राज्यसभा बीजेपी ने भेज दिया था। फिर वापसी होती है इनकी 2014 में मोदी युग में, 2014 से दो बार लगातार सांसद हैं, 2014 में मिनिस्टर भी रहे मोदी गवर्नमेंट में, 2.2 में तो नहीं रहे वो अलग बात, पहले वाले टर्म में रहे। ठीक है, तो इस आप मुद्दा है मेन कि रोहिणी आचार्य इस बार क्या कर पाएंगी, कितना चमत्कार दिखा पाएंगे, क्योंकि पिछले दो बार से वो नहीं है। मैं जो देख मैं एक खास बात एक और आपको बता दूं, 2014 में यहां से लड़ी थी राबड़ी देवी यादव, हार गई थी, 2019 में लड़े थे इनके ससुर चंद्रिका राय, सारण जो सीट है हमारे जिले से सटी है, हम बलिया से आते हैं, तब तो और क्या हो सकता है, क्या इस बार क्या स्थिति है, क्या ये जो सीट है जो लालू यादव की शुरुआत जहाँ से हुई वो सीट लालू यादव के परिवार में वापस लौटेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी रहेगी? देखिए ये तो क्या है अंदर की बात, परिणाम बताएंगे, लेकिन हवा क्या है, लेकिन हवा जो है कांटे की टक्कर है। अच्छा, यानी कि राजीव प्रताप रूढ़ी अगर हम परसेंटेज की बात करें, ये मामला 60-40 का चल रहा है, 60-40 इन द सेंस मतलब की भारी पड़ रही है मौजूदा वक्त में रोहिणी आचार्य। अच्छा, क्योंकि जब राजीव प्रताप रूढ़ी से रोहिणी आचार्य के बारे में, क्योंकि रोहिणी आचार्य के बारे में देखिए बीजेपी के नेताओं का क्या क्या बयान है, आप उप मुख्यमंत्री से देख सके कितनी आलोचना हुई उनकी। हाँ, उसकी वजह से तो उनकी बहुत आलोचना, बहुत आलोचना, और उसके बाद एक दिलचस्प वीडियो भी आया कि जब मीडिया के लोग पहुंचे तो सम्राट चौधरी ने कहा कि आपका घुसना बंद करवा देंगे, बंद करा देंगे, पहले वो बुला बुला के बाइट दे रहे थे, यही होता है, नेता बुलाते हैं कई बार बाइट देने के लिए पत्रकारों को और पत्रकार पहुंचते हैं फिर वो बाइट देते हैं, जब फंस जाते हैं तो गुस्सा पत्रकारों पर निकाला जाता है ना। तो ये मैं ये समझना चाह रहा था कि ठीक है वो बीजेपी के लोगों ने बोला है, तमाम चीजें बोली, लेकिन जब दो बार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मोर ऑफ लेस जो प्लान बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पार्टी की बहुत हवा है, पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की बहुत हवा है, ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का वहाँ 60-40 का मामला है, 60% तो वो आप कह रहे हैं क्योंकि आपके बगल की सीट है, क्या है मामला, मतलब क्यों? पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले आपको जाति समीकरण समझना होगा। अच्छा, बिहार की राजनीति को पता है कि जाति समीकरण के आधार पर चलती है, वहाँ सबसे ज्यादा यादव है 25%, उसके बाद से सवर्ण जाति में क्षत्रिय जो राज्य लगभग बराबर है, मुस्लिम आबादी 10% है और आबादी है। जब आप शहर छोड़ के गांवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ लालू यादव का आज भी रोहिणी आचार्य भले वहाँ से कैंडिडेट है लेकिन नाम सिक्का लालू यादव का चल रहा है, लालू प्रसाद यादव, ये तो हमने देखा है ना पिछले दो लोकसभा चुनाव में, यादव वोट बैंक लोकसभा के चुनाव में तो आरजेडी से हटा है। हाँ, डेफिनेटली, लेकिन अभी मौजूदा वक्त की शायद आप इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि मौजूदा वक्त की जो पॉलिटिक्स अभी तेजस्वी का युग शुरू हुआ है, मतलब एक मान लीजिए कि तेजस्वी जब आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथ में आई है तो मौजूदा वक्त की
बिहार की राजनीति तेजस्वी की तरफ थोड़ा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नौकरी वाला एक काम हुआ उसके से सहानुभूति तेजस्वी को लेकर के, उसके बाद से जैसे नीतीश आके भाग गए, उसके बाद जो उन्होंने रैली निकाली, यात्रा निकाली, तो ये असर सारण में भी है। लेकिन ये आरोप भी तो इससे मजबूत हो जाता है जो लालू यादव पे है परिवारवाद का, कि दोनों बेटे संसदीय राजनीति में है, मीसा भारती राज्यसभा सांसद है वो भी चुनाव लड़ रही है, और फिर उनकी एक दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ रही है। अब रोहिणी आचार्य को लेके क्या है, रोहिणी आचार्य भी किडनी ने उसके बाद वो बूढ़ा, रोहिणी आचार्य को आप नहीं जानते थे, बहुत लोग नहीं जानते, हम लोग जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते थे पहले भी वो, हां अगर उनके परिवार में कभी किसी ने बोला, लेकिन वो उतने लोग ठीक है, रोहिणी आचार्य किडनी देने वाली जो खबर आई उससे मीसा भारती के बाद जो दूसरी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, उसके बाद से इनका विदेश में रहती थी, हां सिंगापुर में, उसके बाद से इनका नाम पूरा हाई हुआ। अब वो क्या है कि लोगों के प्रति थोड़ी उनकी सहानुभूति भी है कि बेटी है वोटी होना चाहिए तो ऐसी बेटी, राजीव प्रताप रूड़ी से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि नहीं बेटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, हम इस पे कोई नहीं कहेंगे, रोहिणी आचार्य बहुत अच्छी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के राज को याद दिलाते हैं, जंगल राज, ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने में भी दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो भाई रोहिणी आचार्य हैं, उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, भावनात्मक लगाव है, तो भारतीय जनता पार्टी अटैक भी कर रही है, तो फूक 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 के, क्योंकि अभी देखिए जो अटैक किए थे वो, तो ये समस्या। दूसरी बात, महिला वोटरों, जब ये रोहिणी आचार्य पहली बार अभी एक हफ्ते पहले, पांच दिन पहले जब पहुंची सारण में, जब यहाँ से पूजा वूजा करके निकली, तो वहाँ आप भीड़ भी देख सकते थे, बहुत भीड़ थी, इनको मिलने के लिए लोग आए, देखने के लिए लोग आए, जब रोड शो की और शाम तक रोड शो चला। और एक वहाँ हमारी एक बात भी होती है कि महिलाओं की एक आकर्षण हो गया, महिलाओं का भी एक आकर्षण जो है रोहिणी आचार्य की तरफ आया है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि नहीं नहीं होना चाहिए, भाई बेटी है अपना, हमारी बेटी है ना, देना चाहिए महिलाओं को। जैसे अभी लोगों के भाव बढ़ गया कि भाई महिला है, महिलाओं को आगे ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महिला होने की वजह से उनका महिला वोट बैंक जो है, गांव की जो महिला है वो उस तरीके से दिख रही है, जो गांव का बेस वोट था वो तो है ही है। लेकिन इस सब के बाद भी बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, इनसाइड जानकारी देने के लिए, है ना। तो उपेंद्र जो कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं, है ना, पूछ लेते हैं लोगों से, अगर आप हमारे देखने वाले हैं और सारण के आसपास के लोग हैं तो फैक्ट चेक कर देंगे अभी आपकी बात का, है ना, कमेंट में। तो अगर आप इनकी बात से सहमत हैं जो ये तर्क दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से पलड़ा भारी है, तो कमेंट करके बताइए। और अगर जो जो जहां मैं खड़ा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने से लालू यादव पे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन पे ये आरोप और पुख्ता हो गया कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो एक मिनट में, तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वो भी कमेंट करके बताइए, उसका भी फैक्ट चेक कर दीजिए, दोनों की बात से असहमत है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आखिर में बताइए, आप लोग बता रहे हैं कि आप देखिए इतना तेजस्वी यादव, न लालू प्रसाद यादव, न राबड़ी देवी, तेजस्वी भले तीसरे चरण में बिहार में कोई चुनाव है, पांचवे चरण में, छठे चरण में, वहां गए तेजस्वी यादव, लेकिन सारण नहीं गए, यानी कि उन्होंने उस कर्मभूमि को छोड़ दिया है रोहिणी आचार्य। लोग समझें, रोहिणी आचार्य लोगों को समझें, और अकेले दम पे वो वहां से अपना माहौल बना रही है। चलिए, ये कितना माहौल बना पाती हैं, ये तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, है ना। लेकिन और भी आते हैं, टक्कर है, टक्कर का है, टक्कर का डेफिनेटली लगता टक्कर है कि टक्कर परिवारवाद का हो रहा है, लेकिन इसको यहाँ खत्म करते हैं, है ना, इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि हम दोनों की बातचीत से आप सहमत है असहमत है, कमेंट करके बताइए, फैक्ट चेक कर दीजिए हमारी बातों का, है ना। तो आगे भी आते रहेंगे, खबरों का अगली खबर पे लगते हैं। चलिए, तो हम लोग अगली खबर पे लगते हैं, आप ये वीडियो देखिए, धन्यवाद, और शुक्रिया, और आप वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा जो जानकारी है, और अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।